आप सभी को याद होगा, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जब मीडिया में, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इस बात को फैलाया गया था कि अतीक अहमद के 5 कुत्तों में से एक की डेथ हो गई थी, बाकियों की हालत काफ़ी ख़राब थी। तो हम लोग उस न्यूज़ के अगले ही दिन वहाँ पे गए थे, तब तक में एक और डॉग की डेथ हो चुकी थी और बाकी जो बचे हुए 3 डॉग्स थे ये ग्रेट डेन डॉग्स हैं, जिनको हम लोगों ने वहाँ पे उनकी देखरेख शुरू करी थी। सब में बहुत ज़्यादा फ्लीस थे, सब बहुत ही ज़्यादा माल नरिश थे और उनमें से एक जो थोड़ी ओल्ड डॉग थी उसकी हालत तो और ख़राब थी, उसको टिक फीवर था और उसको हम लोगों ने बस बाहर निकाला था, बहुत हाई फीवर था, वो हमारे सामने ही अनकॉन्शियस हो गई थी। हम लोग उसको जल्दी से, शाम का टाइम था क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर्स को दिन भर बुलाया गया था, उन्हीं पे रिलाई करा गया था क्योंकि प्रशासन की इन्वॉल्वमेंट थी, नगर निगम की इन्वॉल्वमेंट थी और जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स आए थे उन्होंने छुआ तक नहीं था, उन्होंने टेम्परेचर तक नहीं लिया था डॉग्स को, बोल दिया था कि हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग जब वो जो डॉग्स को इलाज शुरू कराया हम लोगों ने, उनका ट्रीटमेंट, उनका नहलाना, ग्रूमिंग, वहाँ की सफाई, खिलाना पिलाना सब कुछ हम लोगों ने ध्यान रखना शुरू किया, उसके कुछ टाइम बाद नगर निगम ने हमें बिना बताए हमारे पीठ पीछे एक ब्रीडर को वो डॉग्स अलॉट कर दिए क्योंकि वो अपर नगर आयुक्त अरविंद राय के दोस्त थे। और कई बार जब हम लोगों ने उसमें इंटरफियर करा कि हम लोग डे वन से उनकी केयर कर रहे हैं और आप हमें बिना बताए ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग भी इमोशनली जुड़े हुए हैं, कल को कोई दिक्कत हो जाए, कोई बात हो जाए बच्चों के साथ तो हमें तो प्रॉब्लम होगा ना, बट इन लोगों ने 4 बार मुझे कम से कम ऑफिस बुलाया, कई बार मुझसे एप्लीकेशन लिखवाया और लास्ट में घुमा टहला के यही बोल दिया कि अरे ये जो ब्रीडर हैं इन्हीं से आप परमिशन ले लीजिए लिखित में, विच वॉज नॉट ओके ऑब्वियसली बिकॉज वी वर दी ओनली पीपल जो कि स्टार्टिंग से उन बच्चों का ख्याल रख रहे थे, उनका ट्रीटमेंट से लेके हर चीज़, अगर उस दिन ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो बचे भी नहीं होते। और भी कुछ लोकल एनजीओज हैं हमारी जो साथ में डे वन पे आई थी हेल्प के लिए। और उसके बाद मुझे 1.5-2 महीने पहले पता चला कि बच्चों का अडॉप्शन हो गया है, जब बच्चे वहाँ पे नहीं मिले मुझे तीनों, मैं तब से लेके इनसे हर, मतलब हर कुछ दिन में मैं पूछ रही हूँ, बार बार पूछ रही हूँ कि आप मुझे बस बता दो बच्चे कहाँ हैं। मैंने ये भी बोला कि अगर आपको लगता है कि नगर निगम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और आप हमें नहीं उनको ख्याल रखने की परमिशन दे सकते हो तो आप हमारा मनी रिफंड करो, हम लोगों ने 20,000 स्पेंड किया है ट्रीटमेंट में, ग्रूमिंग में, हर चीज़ में, तो अगर नगर निगम अपने राइट्स उस पर दिखा रहा है बच्चों पे तो फिर आप इतना करो, क्योंकि टिल डेट नगर निगम हमारी जो भी कुत्ते उठाती है चाहे वो रेबिड हो चाहे वो घायल हो वो सिर्फ एनजीओज में ही लेकर जाती है क्योंकि नगर निगम की ना कोई, ना ये लोग कोई फाइनेंस देते हैं, ना एंटी रेबीज की एक भी सुई कभी लगवाए हैं, ना ही कभी किसी बच्चे का इन लोगों ने इलाज कराया है, ना ही कोई रखने की इनके पास जगह है। तो आज मुझे कहीं से पता चला कि वो बच्चों को मैगेट वूंड हो गए थे, तो मैं किसी किसी तरह से वहां पहुंच गई। असरावल नाम की जगह है जहां पे 2 डॉग्स थे, एक के हाथ में मैगेट था, एक के पैर में मैगेट था, दोनों को एक गंदी सी जगह पे, एक पतली पतली चेनों में एक छोटी सी जगह में बांध दिया गया था जहां ना पंखा था, ना कूलर था, ना रहने लायक जगह थी बैठने के लिए, एक चद्दर, एक कपड़ा, एक चटाई तक नहीं बिछाई गई थी। और वो इतने, जब हम लोग को मिले थे वो, तो वो बहुत सफर किए हुए थे और आज उनकी हालत ये थी कि वो उससे भी ज्यादा बेकार कंडीशन में हैं। और जब हमने नगर निगम को इस बात पे कन्फ्रंट करा, हमने इनके पशुधन अधिकारी से बात करी तो उन्होंने कहा कि आप नगर निगम को इसमें नहीं इन्वॉल्व कर सकती हैं, नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब जिम्मेदारी नगर निगम ने ली, अडॉप्ट नगर निगम ने कराया, हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना नगर निगम ने जरूरी नहीं समझा प्रयागराज की। और वो कुत्तों की मरने जैसी स्थिति है, वो इतना टॉर्चर हो रहा है वहां पे, वो पतली सी चेन में बंधे हुए हैं और नगर निगम कह रही है कि उसकी कोई भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं है। और मैं अभी उस जगह की, उन बच्चों की फोटोज वीडियोस भी शेयर कर रही हूँ। तीसरी जो सबसे ओल्ड और कमजोर थी जिसका सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट चला था, उस डॉग से हम लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं, हमें पक्का भी नहीं है कि वो बची है जिंदा की नहीं, और ये सोच सोच के और ज्यादा मुझे इतनी तकलीफ हो रही है ये सोच सोच के कि
जिन बच्चों को हम लोगों ने अपने हाथ से खिलाया है, अपने हाथ से इलाज कराया है, उनकी ये हालत हो गई, क्योंकि हमारा प्रशासन क्रेडिट लेने के लिए है, काम करने के लिए कुछ भी नहीं करता है।